बेशक, और यहाँ पर चुनौतियां कम नहीं है और मुश्किलें बढ़ रही हैं आशीष मिश्र के लिए, लेकिन इन चुनौतियों का किस तरह सामना करते हुए एसआईटी आगे बढ़ती है, आगे अपनी पूछताछ जारी रखेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बीच लखीमपुर केस में राजनीति भी अब तेज होने लगी है धीरे धीरे, और जहां पर इससे पहले सियासी अखाड़ा बना हुआ था, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है बीजेपी पर, और बीजेपी ने किस तरीके से उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया है, सुनिए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से एक सेलेक्टिव कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कलेक्टिव कॉम्पिटिशन चल रहा है, और जो लोग सेलेक्टिव कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कलेक्टिव कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं, वो पूरे के पूरे इसको सियासी रंग देने में पूरी तरह से मसरूफ है। लेकिन इस तरह के कॉम्पिटिशन से, इस तरह के सियासी शगुफों से, इस तरह के सियासी कॉम्पिटिशन से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही लाशों पर राजनीति करती आई है। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की आंच में भी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती थी प्रियंका वाड्रा। 3 तारीख से लगातार इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही है।